यहां पे न्यू कॉलोनिज्म इंपीरियलिज्म में है तो एक तरह एक जैसा ही, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं शोषणकारी था, थर्ड वर्ल्ड के लिए शोषणकारी था। ये क्या किया न्यू कॉलोनिज्म और न्यू इंपीरियलिज्म, क्या है न्यू इंपीरियलिज्म, इसमें स्टेट प्रत्यक्ष रूप से इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनीज के माध्यम से कहीं ना कहीं ये जो है वेस्टर्न कंट्रीज जो है अफ्रीकन कंट्रीज, इंडिया, विकासशील देशों, साउथ एशिया के जो कंट्रीज हैं, पाकिस्तान हैं, और कहीं ना कहीं जो भूटान है, म्यांमार है, ये सब कंट्रीज, लाओस है, कंबोडिया है, थाईलैंड है, फिलीपींस है, इन कंट्रीज में क्या है इसने कहीं ना कहीं जो है एमएनसी का विस्तार किया पूरी दुनिया में, मल्टीनेशनल कंपनीज के माध्यम से, बड़ी बड़ी कंपनियों के माध्यम से इसने कहीं ना कहीं अपने जाल बिछाए, और कहीं ना कहीं वो है एक तरीके से अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को फुलफिल कर रहे हैं वहाँ के लोगों, क्योंकि उनको मार्केट चाहिए ना। ये डेवलप्ड जो कंट्रीज हैं, कैपिटलिस्ट जो कंट्रीज हैं, वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं, उनकी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, तो इनको कहीं ना कहीं इनको मार्केट की आवश्यकता है, तो मार्केट पर कब्जा इन्होंने किया, और एक तरीके से वही इसी प्रकार इंटरेस्ट को फुलफिल करना चाहते हैं जैसे वो कन्वेंशनल कॉलोनिज्म था परंपरागत उपनिवेशवाद में। यूरोपीय शक्तियां अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट फुलफिल करना चाहती थी। ये एमएनसी के अंदर बड़ी बड़ी तेल कंपनीज हैं, सेल कंपनीज, सेल कंपनी जैसे सेल है, बड़ी आज देखिए बड़ी बड़ी जो है वेस्टर्न कंपनीज हैं आपको देखने को मिल जाएंगी। ये एडिडास है, ये तरीके से नाइक है, बड़ी बड़ी कंपनीज, ये कहीं ना कहीं वैश्वीकरण के माध्यम से पूरी दुनिया में इन देशों की कंट्रीज में आई, ईस्ट अफ्रीका, इंडिया कंट्रीज में आई। इन्होंने कहीं ना कहीं अब वही काम करना चाहते हैं जो पहले ये कॉलोनिज्म स्टेट करना चाहते हैं। ये बात को न्यू कॉलोनिज्म इंपीरियलिज्म का कंसेप्ट मार्क्सिस्ट लोगों ने इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि वही इसकी आलोचना कर रहे हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये तो ये अपनी आलोचना करेंगे नहीं, क्योंकि कैपिटलिस्ट लोगों ने तो ये कहा ना ये तो वैश्वीकरण बहुत अच्छी चीज़ है, ये लिबरल डेमोक्रेसी दे रहा है, ओपन एनवायरमेंट दे रहा है, ग्लोबलाइजेशन के माध्यम से अपनी इकोनॉमी को विश्व इकोनॉमी से जोड़ दीजिए और ओपन इकोनॉमी कीजिए, बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियों को अपने देश में इन्वेस्ट करने के लिए या व्यापार करने के लिए इन्वाइट कीजिए, उनको अनुमति दीजिए, परमिशन दीजिए, बल्कि काम इनका ऐसा ही है, आपके यहाँ शासन तो कर रहे हैं, आपके यहाँ सेवा तो दे रहे हैं, लेकिन इससे प्रॉफिट हो रहा है इन कंपनीज का, इन कंपनीज को जो प्रॉफिट हो रहा है, जो आपसे पैसा कमाया वो आपके यहाँ इन्वेस्ट नहीं हो रहा है, ये पैसा जो है एक तरीके से जा तो वहीं रहा है ना, मालिक तो वे ही बैठे हैं वेस्टर्न कंट्रीज कैपिटलिस्ट लोग, जो कहीं ना कहीं वहाँ पर इसका फायदा हो रहा है, उन्हीं लोगों को इसका ग्रोथ का फायदा हो रहा है, जबकि वो प्रॉफिट ग्रोथ जो है इन देशों से कमाया जा रहा है, इन देशों के लोगों से लिया जा रहा है, क्योंकि अपनी वस्तु सेवाओं को बेचा इन देशों में जा रहा है, बल्कि इससे फायदा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, वो उनके डेवलपमेंट में इन्वेस्ट नहीं किया जा रहा है, कुछ लोगों को रोजगार दे दिया जाता है, लेकिन वास्तविक रूप से मालिक तो वही हैं जो वेस्टर्न कंट्री या वेस्टर्न वहां पर बैठे हुए हैं। तो बड़ी बड़ी कंपनीज के माध्यम से इस तरीके से जो है अफ्रीकन कंट्रीज जो है एक तरीके से ईस्ट इंडिया इन देशों में बड़े स्तर पर लूटा जा रहा है इन देशों की। ये कहीं ना कहीं मार्क्सिस्ट लोगों का ऐसा मानना है, या उन्होंने कॉलोनिज्म न्यू इंपीरियलिज्म का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया। तो समझने की आवश्यकता है कि मानवता के लिए खतरा कौन है। इससे हिस्ट्री तो ये बता रही थी ना कि हिस्ट्री ने तो ये बताया ना कि ये तो 16 सेंचुरी से लेकर 21 सेंचुरी में ये व्यवस्था जिंदा है और ये शोषण गरीबी असमानता जिंदा है। अगर ये व्यवस्था मानवता के लिए ठीक होती तो ये व्यवस्थाएं आज जिंदा नहीं होती, ये व्यवस्था आज भी जिंदा है। इसका मतलब क्या है, क्योंकि व्यवस्था मूलतः शोषणकारी है। कार्ल मार्क्स और मार्क्सिस्ट थिंकर्स ने कहा ये व्यवस्था मूलतः शोषणकारी है। इसलिए और भी समझते हैं कि व्यवस्था शोषणकारी क्यों है। अभी हमने समझा एक पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन अब सेकंड व्यू समझते हैं, समझ रहे हैं कि मानवता के लिए वास्तविक रूप से खतरनाक कौन सी व्यवस्था है, कौन सी विचारधारा है। क्या एक सोशलिज्म कम्युनिज्म मानवता के लिए खतरा है, कि जो कहीं ना कहीं मानवता के लिए कैपिटलिज्म जिम्मेदार है। आप देखिए पूरी दुनिया में, आप देखिए पूरे ना केवल वेस्टर्न कंट्रीज में, ना केवल वेस्टर्न कंट्रीज में, बल्कि यूरोप, ईस्ट अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, ये सब कंट्रीज में बड़े स्तर पर कैपिटलिज्म का क्या हुआ, विस्तार हो गया। क्योंकि 1990 के बाद और 1990 और 1991 के बाद इंडिया में
इंडिया में बड़े स्तर पर, क्योंकि इंडिया ने इस समय एलपीजी पॉलिसी अपनाई। तो एलपीजी पॉलिसी अपनाई तो एमएनसी आई, मल्टीनेशनल कंपनीज आई, इसके माध्यम से कैपिटलिज्म का एक्सटेंड हुआ, एक्सपेंशंस हुआ, स्प्रेड हुआ बड़े लेवल पर, हाई लेवल पर, टॉप लेवल पर। तो एक्सट्रीम पोजीशन है इंडिया में इस समय कैपिटलिज्म की, और इस तरीके से इंडिया में इस तरीके से ग्रोथ भी हो रहा है, लेकिन शोषण भी जिम्मेदार है, असमानता भी जिम्मेदार है, गरीबी भी जिम्मेदार है। गरीब और अमीर के बीच में एक अंतर है, गरीब और वर्सेस अमीर के बीच में एक संघर्ष है, और एक हमेशा ये खाई बनी हुई है, और गरीब और अमीर के बीच में जो गैप है ना, वो बहुत जाना है, क्योंकि अमीर होता रहा, अमीर अमीर होता रहा, और गरीब गरीब होता गया। यही ग्लोबलाइजेशन एलपीजी का प्रभाव है। ये कंसेप्ट, ये भी कहीं ना कहीं ये इसका इंटरप्रिटेशन इस प्रकार भी किया जा सकता है ग्लोबलाइजेशन का, कि भारत में 1990 के बाद एलपीजी, 1991 में जो एलपीजी मॉडल अपनाया, या जो इससे क्या हुआ, गरीब गरीब होता गया, अमीर अमीर होता गया, ये भी समझने की आवश्यकता है। अब यही तो समझ रहे हैं ना कि मानवता के लिए खतरा कौन है। तो कहीं ना कहीं देश में, यूरोप में तो है, यूरोप तो पहले से ही था, ईस्ट में चाहे इसमें म्यांमार है, और साउथ ईस्ट कंट्रीज हैं, फिलीपींस है, ये सब नेशंस कहीं ना कहीं डेवलपिंग कंट्रीज हैं, ये गुलाम कंट्रीज रहे हैं, उपनिवेश रहे हैं यूरोपीय शक्तियों के। और अफ्रीका, लैटिन अमेरिका कंट्रीज में आज देखिए बड़े स्तर पर ना केवल कैपिटलिज्म का विस्तार हुआ, बल्कि कैपिटलिस्ट सोसाइटीज का भी निर्माण हुआ, कैपिटलिस्ट सोसाइटीज। ये कैपिटल सोसाइटी सिर्फ अपने फायदे के लिए काम कर रही है, इससे गरीबी शोषण से कोई जिम्मेदार नहीं है। गरीबी बढ़ रही है, अमीर और गरीब के बीच में गैप बढ़ रहा है, गरीब की स्थिति क्या है, अमीर की सामाजिक आर्थिक स्थिति कैसी है, इससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा है। तो ये व्यवस्था ने कहीं ना कहीं देशों में एक कल्चर का निर्माण किया। तो कैपिटल सोसाइटी कैसे, क्यों मानवता के लिए खतरा क्यों है, क्योंकि इन देशों में, साथ ही इंडिया में भी कैपिटलिस्ट सोसाइटी का विस्तार हो गया, और ये कैपिटलिस्ट सोसाइटी किस तरीके से काम कर रहा है, कैसे फंक्शंस कर रहा है, ये तो शोषणकारी व्यवस्था है ही, क्योंकि इसलिए शोषणकारी है ना, क्योंकि कैपिटलिस्ट सोसाइटी मानवता के लिए खतरा ऐसा है कि ये प्राइवेट ओनरशिप, प्राइवेट प्रॉपर्टी और ओनरशिप, ओनरशिप से क्या समझौता नहीं करता, समझौता नहीं, इसलिए क्या होता है कि अमीर अमीर होता जाता है, गरीब गरीब होता जाता है, क्योंकि प्राइवेट संपत्तियों से, प्राइवेट संपत्ति से समझौता नहीं करता। ये प्राइवेट ओनरशिप को डिस्ट्रॉय करने की, समाप्त करने की बात नहीं करता। ये प्राइवेट ओनरशिप से क्या होता है कि संपत्ति का उत्तराधिकार जो है, संपत्ति का मालिकाना हक जो है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलता रहता है। जैसे एक फैमिली है, एक परिवार है, उसके पास निजी संपत्ति है, तो वो पीढ़ी दर ट्रांसफर होती जाएगी, लेकिन वो परिवार चलता रहेगा जब तक परिवार का अस्तित्व है। तो जनरेशन बाय जनरेशन, यानी पीढ़ी दर वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ट्रांसफर हो जाएगी, लेकिन समाज के अन्य हिस्सों को उस परिवार की संपत्ति का हिस्सा नहीं मिलेगा, वो संपत्ति। इसी को बोलते हैं कि कैपिटलिज्म प्राइवेट संपत्ति से समझौता नहीं करता, क्योंकि एक परिवार में जितने लोग हैं, अमीर है, जिसके पास लैंड है, रिफॉर्म्स है, प्रॉपर्टी है, तो वो प्रॉपर्टी अन्य लोगों के लिए नहीं है। जब वो परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाएगी तो दूसरा परिवार में ट्रांसफर हो जाएगी। वैसे तो पहले वो परिवार के लोगों तक ही सीमित थी ना, उसी का यूटिलाइज कर रहे थे, वही लोग उसका फायदा ले रहे थे, वो लोग गरीब वो अमीर अमीर होते जा रहे थे, लेकिन वो गरीब को नहीं दे रहे थे। तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ट्रांसफर होती है। जैसे आज देखिए कि नॉर्मली देखा जाए कि बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े संपत्तिधारी लोग हैं, या जो इन्होंने लेजिस्टमेट स्टेट ने उनको लेजिस्टमेसी दे दी, उनको मान्यता दे दी, कानूनी अधिकार दे दिए संपत्ति का, तो वो अपने कानूनी अधिकार अपने ही लोगों को तो देते हैं ना, समाज के अन्य लोगों को थोड़ी ना देते हैं। समाज में तो इतनी गरीबी भी है, अमीर भी लोग अमीर है, तो अमीर लोग हैं, इसके साथ असमानता है सामाजिक आर्थिक लेवल पर, गरीबी है, शोषण है, लोग भुखमरी से मर रहे हैं, कहीं ना कहीं लोग के पास खाने का अनाज नहीं है। लेकिन ये अमीर, कभी ये सोचा है आपने कि कैपिटलिस्ट लोग, कहीं ना कहीं जो कैपिटलिस्ट लोग एक मानसिकता है, जो निजी संपत्ति को
अब ये नहीं उद्योगपति वही कैपिटलिस्ट है, अब तो निजी संपत्ति का जब समर्थन करता है वही कैपिटलिस्ट लोग हैं, और ये 99% लोग इनका कब्जा है, ये हर संस्थाओं पर, हर लोगों पर, यहाँ तक इनका इन लोगों का कैपिटलिस्ट लोगों का इन्हीं का कब्जा है 99% हर क्षेत्र में, पॉलिटिक्स के क्षेत्र में, अभी बताता है कैसे, क्योंकि इन्हीं लोगों का कब्जा है 99% संस्थाओं पर, जो है जो सब प्रकार की संस्था हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं, स्कूल हैं, चर्च हैं, हर जगह 99% लोग, 99% क्या 99.9% लोग इन्हीं का कब्जा है कैपिटल लोगों का, क्योंकि ये निजी संपत्ति से समझौता नहीं कर रहे ना, अपनी संपत्ति सिर्फ अपने बच्चे को ही देकर जाएंगे, या वो एक परिवार समाप्त हो गया तो दूसरे परिवार को ही देकर जाएगा, लेकिन वो समाज के सभी लोगों को इसका फायदा नहीं होगा, ये परिवार की ग्रोथ हो रही है जिस संपत्ति का हिस्सा अन लोगों को नहीं मिलेगा, इसलिए संपत्ति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ट्रांसफर हो जाती है, यही कहीं ना कहीं यही तो है मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है, इंसानियत के लिए खतरा है, और ये विशेषता कैपिटलिज्म में ही एग्जिस्ट करती है, क्योंकि ये निजी संपत्ति समझौता नहीं करता, तो संपत्ति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होती है, लेकिन इधर ऐसा नहीं है, इधर संपत्ति स्टेट की होगी, प्राइवेट ओनरशिप का कंसेप्ट ही नहीं होगा, पूरी संपत्ति स्टेट की होगी, जब स्टेट की हो जाएगी तो स्टेट क्या करेगा कि अमीर की संपत्ति या जो अनावश्यक जमीन है, जो अमीर क्या, जो अनावश्यक संपत्ति है जिसके पास, जो गरीब अमीर के बीच में उसका एगलेटेड सोसाइटी स्टेब्लिश करना उसका सपना है, तो एगलेटेड सोसाइटी को स्थापित करने के लिए क्या करेगा, गरीब को सब्सिडी तो नहीं देगा, क्योंकि सब्सिडी से उसका अल्पकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, हाल फिलहाल के लिए उसको पैसा मिलने से हाल फिलहाल की समस्या समाधान हो जाएगा, लेकिन दीर्घकालीन समस्याओं का समाधान नहीं होगा, इसलिए स्टेट कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी देता है, लैंड देता है, राइट टू लैंड देता है, उनको संपत्ति देता है, क्योंकि ये दीर्घकालीन समाधान है, तो कहीं ना ऐसा कैपिटलिज्म नहीं चाहता, कैपिटलिज्म तो देता ही नहीं है, वो सिर्फ अपने परिवार के लिए सोचता है, इसकी मानसिकता, और यहाँ पर स्टेट काम करता है, यहाँ सोसाइटी कैपिटलिस्ट लोग काम करते हैं, ये मूल बात है समझने की। आज देखिए, आज हिंदुस्तान में या पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान छोड़िए तो पूरी दुनिया की बात है, लोग परिवार अपने जिसने कोई व्यक्ति बिजनेसमैन है या कोई ब्यूरोक्रेट्स है, वो अपने ब्यूरोक्रेट्स अपने व्यक्ति अपने परिवार के सदस्यों को ही अपनी संपत्ति देता है, लेकिन दूसरे अमीर समाज जो है अमीर लोग या ये लोग ब्यूरोक्रेट्स लोग पॉलिटिशियन लोग समाज के अन्य लोग भी तो है ना, उनको संपत्ति नहीं देते। अब इनकी मानसिकता में परिवर्तन हो जाए तभी तो बोलना 1% इनको रखा है 0.1% कि कुछ मानसिकता में परिवर्तन हो जाए, दान कर देते हैं, स्टेट को हैंडओवर कर देते हैं, तो क्योंकि ये तो यार कैपिटलिज्म तो नेशनलाइजेशन की बात करता है ना, पूरी संपत्ति को राष्ट्रीयकरण कर देगा नेशनलाइजेशन के माध्यम से, नेशनलाइजेशन के माध्यम से स्टेट की पूरी संपत्ति क्या स्टेट प्रॉपर्टी हो जाएगी, निजी संपत्ति खत्म, नेशनलाइजेशन राष्ट्रीयकरण के माध्यम से, जैसा इंदिरा गांधी जी ने किया था, राजाओं के अधिकारों को छीना, और कहीं ना कहीं लैंड रिफॉर्म्स किए गए, बड़े विस्तार भूमि सुधार किए गए, भूमि गरीबों को दी गई, ऐसा स्टेट कर रहा है नहीं कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं अपना जाल बिछा चुका है, और कैपिटलिस्ट सोसाइटी का स्थाप, कैपिटलिस्ट सोसाइटी कहीं ना कहीं पूरी चीजों पर जो है, हर संस्थाओं पर, स्कूल हो, चर्च हो, रिलीजियस प्लेस हो, और आप देखिए सिनेमा हो, बॉलीवुड हो, हॉलीवुड हो, हर जगह इनका कब्जा है, आप कहां तक जाओगे, पॉलिटिक्स में, सिविल सेवा में, पॉलिटिकल पार्टीज में, इथिक्स के प्रिंसिपल बनाते हैं यही लोग, क्योंकि अब ये विचारधारा वाले कम्युनिज्म और साम्यवादी विचारधारा वाले लोग कितने हैं, 0.1% लोग हैं, ब्यूरोक्रेसी में ये लोग हैं, सिनेमा में ये लोग हैं, पॉलिटिक्स में ये लोग हैं, क्योंकि ये आप ऐसे बता रहे हैं ना, चर्चे हैं चाहे स्कूल्स के लोग टीचर्स हो या इन्होंने अपनी संस्था बनाई गई, ये तो है, इन्होंने अपनी संस्था बनाई है और उनमें उन अपनी ही विचारधारा का फैलाव कर रहे हैं, इसलिए ये कैपिटलिस्ट हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि 99.9% लोग यही हैं,
क्योंकि वो व्यक्ति पूंजीवादी है आज के जमाने में, वो व्यक्ति कैपिटलिस्ट है जो अपनी निजी संपत्ति को छोड़ना नहीं चाहता है। ये की परिभाषा है, वो कैपिटलिस्ट संपत्ति या जो निजी प्रॉपर्टी या प्राइवेट ओनरशिप्स का समझौता नहीं करता है वही व्यक्ति कैपिटलिस्ट है, क्योंकि वो कैपिटलिस्ट की पहचान है ना, अपनी संपत्ति को सिर्फ अपनी पीढ़ी को ही देगा, अपने उत्तराधिकारी को देगा। एक पीढ़ी से पीढ़ी एक संपत्ति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है, उसका फायदा अन्य लोगों को कहाँ होता है ना। स्टेट आएगा तब काम करेगा, नेशनलाइजेशन का स्टेट नेशनलाइजेशन करेगा तो उसको पता होगा कि इसको गरीबी इसको भूमि देनी चाहिए, इसको भूमि नहीं देनी चाहिए, इसकी भूमि को लेकर छीन कर गरीब लोगों को मजदूरों को निर्दोषों जो कहीं ना कहीं जो वास्तविक रूप से सामाजिक आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, जो गरीबी के जाल में द ट्रैप ऑफ पॉवर्टी में फंसे हुए लोग हैं, ऋणग्रस्ताओं में फंसे हुए किसान हैं, उनको वास्तविक भूमिहीन किसान हैं, उन किसानों उन मजदूरों को कहीं ना कहीं देने की आवश्यकता है। इसके लिए उनके जीवन में स्टेबिलिटी है। ये तो नेशनलाइजेशन करेगा तब समझ में आएगा ना। पहले निजी बैंकें थी इंदिरा गांधी से पहले 1969 में 1980 में बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया, 14 बैंकों 6 बैंकों का। तो बड़ी पहले निजी बैंक थी, प्राइवेट बैंक थी, तो कहीं ना कहीं किसानों को मजदूरों को ऋण नहीं देती थी प्राइवेट बैंक प्राइवेट। तो इंदिरा गांधी ने कहा किसानों और भूमिहीन मजदूरों को छोटे छोटे हस्तशिल्प उद्योगकारी हैं उद्योग जो उद्योग चलाते हैं हस्तशिल्प का जो उद्योग चलाते हैं कुटीर उद्योग चलाते हैं जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज हैं उनको लोन कौन देगा, उनको प्रमोट उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट उनकी ग्रोथ के लिए कौन पैसा खर्च कर कौन इन्वेस्ट करेगा, कौन उनको ऋण देगा। तो बैंकों का नेशनलाइजेशन करना बहुत जरूरी था, और ना केवल बैंकों का नेशनलाइजेशन किया इंदिरा गांधी जी ने, उसी समय 1970 के दशक में इंदिरा गांधी जी ने कहीं ना कहीं प्राइमरी सेक्टर प्राइमरी लेंडिंग सेक्टर की स्थापना की, PSL प्राइमरी सेक्टर लेंडिंग जैसी प्रोजेक्ट या स्कीम का निर्माण किया गया, और बैंकों से बाध्यकारी शर्तें की गई कि आपको किसानों को ऋण में प्राथमिकता देनी है, वंचित वर्ग को प्राथमिकता देनी है, मजदूरों को प्राथमिकता देनी है, जिसके पास इंडस्ट्री है कुटीर उद्योग है हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है तो ऐसी कंडीशन उनको ऋण देने की आवश्यकता है। तो ऐसी कंडीशंस जो है निर्धारित की गई बैंकों पर आरोपित की गई, इसलिए तो समानता आएगी ना, तभी तो यह असमानता खत्म होगी ना, तभी तो गरीबी खत्म होगी ना, तभी तो ग्रोथ का फायदा सभी हिस्सों को होगा, सभी हिस्सों के रहने वाले लोगों को होगा। अभी तो ग्रोथ का फायदा एक क्लास को हो रहा है ना, वो क्लास ऐसी है ये लोग अपने इंटरेस्ट से लोग ऐसा काम नहीं करना चाहते। इसमें से कुछ 0.1% हो जाएंगे जो अपनी संपत्ति निकलते हैं जो अपनी संपत्ति को दान करते हैं, किसी के अंदर मानवता की भावना जागृत हो जाती है तो वो उसे कहीं ना कहीं इन्हीं के इनका जो है इसी के जो है बोलते रहते हैं कि ये दान भी करते हैं हम लोग। मीडिया में इन्हीं लोगों का कब्जा है, इथिक्स के प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं कि आप गरीब हैं, लेकिन आप गरीब हैं तो इसमें आपका कोई दोष नहीं है, लेकिन आपका बुढ़ापा आपके माता पिता का जीवन जो गरीबी में नहीं बीतना चाहिए। भाई आप बताइए गरीबी का जिम्मेदार किसको बता दिया गया, उसी व्यक्ति को जो गरीब व्यक्ति है उसी को जिम्मेदार बता दिया गया। माना कि वो एक्सीडेंट हो जाए उस व्यक्ति का, उसकी डेथ हो जाए तो उसके परिवार का जिम्मेदार कौन है। अभी एक तरफ आपने बोला कि आप गरीब हैं, ठीक है आप गरीब हैं, ये आपकी कोई कमी नहीं है, ये आप संघर्ष कीजिए आप अमीर बन जाएंगे, क्योंकि आपका बुढ़ापा आपके माता पिता का जीवन जो है आपका जीवन भविष्य जो है वो कहीं ना कहीं गरीबी में नहीं बीतना चाहिए। आप बताइए उसी को रिस्पॉन्सिबल बता दिया गया और उसी व्यक्ति को गारंटी दे दी गई कि तू ही जिम्मेदार है, तू अपनी गरीबी, अगर मर गया वो व्यक्ति तो फिर उसके परिवार के गरीबी का जिम्मेदार कौन है, उसको उसके बुढ़ापे उसको उसके माता पिता जो बुढ़ापे हो जाएंगे उनको कौन जो है उनकी सेवा करेगा, वो गरीब ही रहेगा। इस तरीके से एथिक्स के प्रिंसिपल्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, ये इंट्रोड्यूस इसलिए की जाती हैं कि स्कूल्स हो यूनिवर्सिटीज हो संस्थाओं में 99.9% लोग कैपिटलिस्ट लोग हैं, ये लोग अपनी निजी संपत्ति से समझौता करना नहीं चाहते हैं, ये अपना हिजज एजेंडा लोगों को नहीं बताना चाहते, इसलिए इन संस्थाओं पर लोगों का कब्जा है। इसलिए तो ये संस्था मजबूत है, इस संस्था को समझना इतना इस सिस्टम और आइडियोलॉजी को समझना इतना 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 आसान नहीं है। ये व्यवस्था इतनी अच्छी है लेकिन इसने इतना ये व्यवस्था कैपिटलिज्म अपने अस्तित्व को बचाने में जितनी ऊर्जा एनर्जी का प्रयोग करता है ना उससे ज्यादा दुगनी एनर्जी और उसका
जो है उसको एनर्जी और ऊर्जा का उपयोग जो है इसको बर्बाद करने, इसको बदनाम करने में करता है। बड़े बड़े आप सिद्धांत को देखिए, इकोनॉमी को आप छोड़िए, एनवायरनमेंट को इस तरीके से एक्सप्लोइटेड किया, एनवायरनमेंट का इस तरीके से दोहन किया गया, संसाधनों को बड़े स्तर पर लूटा, पर्यावरण की क्षति की गई, इन लोगों को क्या फायदा हुआ? सबसे ज्यादा पर्यावरण का फायदा इनको हुआ, लेकिन एक तरफ रहने वाले लोग हैव्स नॉट्स, हैव नॉट्स, गरीब। ये तो कैपिटलिस्ट, ये तो कैपिटलिस्ट क्लास है ना, ये तो कैपिटलिस्ट क्लास है, इसने कब्जा कर लिया और निजी संपत्ति, प्राइवेट संपत्ति पर क्या किया, कब्जा कर लिया। यही है प्राइवेट, यही पर इन्होंने कब्जा कर लिया, इनका अपन गरीब लोगों का इन पे है ही नहीं, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी इनके पास, संसाधन ही नहीं है, ऑनरशिप ही नहीं है। और इन्होंने हैव्स नोट्स ने क्या किया कि इनके हैव्स नोट्स, इनके पास संसाधन नहीं है, इनके पास प्रॉपर्टी नहीं है, ये आपस में थोड़ा इधर आते रहते हैं, कभी संघर्ष कर लेते हैं तो इधर आते रहते हैं, ट्रांसफर होते रहते हैं, लेकिन मेजोरिटी पीपल से लोग गरीब है ना, इनको ये समझ में ही नहीं आता, इन्फ्लुएंस इन्हीं का रहता है, ये सिनेमा के माध्यम से शासन करते हैं, इन्हीं के माध्यम इथिक्स के प्रिंसिपल इनको सुनाए जाते हैं, लेकिन ये समझने की आवश्यकता है कि निजी संपत्ति इन लोगों को नहीं, क्यों नहीं दे रही। निजी संपत्ति आप दीजिए ना, सिंपल बात है, उसको वो राइट्स मिलने चाहिए कि नेचुरल स्टेट में जो थे, नेचुरल अवस्था में जो उनको समान अधिकार थे उनको दीजिए। स्टेट भी इसमें कहीं ना कहीं सर इधर आना, इधर स्टेट को इनके इनके पक्ष में होना था, स्टेट यहाँ आके बैठ गया इनके गोद में, तो कहीं ना कहीं कैपिटलिज्म का बड़े स्तर पर विस्तार हुआ, कैपिटलिज्म की गोद में कहीं ना कहीं स्टेट बैठ गया, और स्टेट कहीं लेसेस फेयर धीरे धीरे होता जा रहा है, और स्टेट कहीं ना कहीं सामाजिक जो वेलफेयर स्कीम है, सोशल वेलफेयर स्कीम से अपनी जो है सब्सिडीज को देना बंद कर रहा है, या वेलफेयर स्कीम को बंद कर रहा है, तो इन्हीं का विकास होगा। और मैं ये समझाने का प्रयास कर रहा था कि एनवायरनमेंट का एक्सप्लोइटेशन किया, एनवायरनमेंट का दोहन किया, इन्हीं लोगों ने किया, और इन लोगों ने किया तो उससे एनवायरनमेंट ने चैलेंज दिए गए, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग दिया गया, क्लाइमेट चेंज जैसी घटना सामने आई, जो है गर्मी बहुत जाना पड़ रही है, सर्दी जाना पड़ रही है, ये कहीं ना कहीं डिसबैलेंस है ना एनवायरनमेंट में। फॉरेस्ट की कटाई होने से किसने किया, बेड बनाए गए बड़े बड़े, लकड़ी का, वनों का, संसाधनों का दोहन किया गया, लग्जरियस गुड्स, जो बुड्स, जो लकड़ी थी उसकी लग्जरियस गुड्स बनाई गई, उसका उपयोग गरीब लोग कर रहे हैं कि अमीर लोग कर रहे हैं, कैपिटलिस्ट लोग कर रहे हैं, यही लोग कर रहे हैं। पानी को आपने एक तरफ बर्बाद किया, तो आपने पानी को साफ सफाई के लिए आपने जो है आपने अपने फायदे के लिए तो प्यूरिफाई लगा लिया, लेकिन ये क्या करेंगे वो पानी, अब आपको लगा कि पानी अशुद्ध हो गया तो पानी को साफ करने के लिए आपने प्यूरिफाई लगा लिया गया, ये क्या करें ना, ये तो वही पानी पीएंगे ना, स्वच्छ शुद्ध पानी तो इनके पास तो नहीं है ना प्यूरिफाई। एयर पोल्यूशन हुआ तो आपने ही एयर पोल्यूशन किया, क्योंकि आपकी कारें ही रिस्पॉन्सिबल हैं एयर पोल्यूशन के लिए, आपकी इंडस्ट्री आपके कारखाने, आपकी जो है आपकी आप जिस वस्तु सेवा का उपभोग करते हैं, या आपकी कार्स हुई, गाड़ीज हुई, मोटरसाइकिल हुए, वही तो एनवायरनमेंट के एक्सप्लोइटेशन के लिए जिम्मेदार हैं, एयर पोल्यूशन के जिम्मेदार हैं, वाटर पोल्यूशन के लिए जिम्मेदार हैं, साउंड पोल्यूशन के लिए जिम्मेदार हैं। आपने उन समस्याओं से, जब वो समस्याएं आई एनवायरनमेंट में, पब्लिक डोमेन में आई, तो कहीं ना कहीं आपने तो उनके बचाव के लिए, एक तरीके से प्रिवेंशन के लिए आपने तो एंटी पोल्यूशन चीज़ें बनाई, आपने कहीं ना कहीं एयर प्यूरिफाई लगाया, वाटर प्यूरिफाई लगाया, आपने तो 20 का 30 का जल ले लिया ना, बोतलों में पानी ले लिया, आप वास्तविक से आप ही एनवायरनमेंट के लिए जिम्मेदार हैं, एनवायरनमेंट का जिस तरीके से पतन हुआ वो आप ही जिम्मेदार हैं। ये क्या करें, इनके पास ना एयर प्यूरिफाई के पैसे हैं, ना वाटर प्यूरिफाई के पैसे हैं, जबकि ये तो रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है उस चीज के लिए, पर्यावरण के दोहन के लिए, पर्यावरण का बर्बादी के लिए जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि आप ही कंज्यूमरिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं, आप ही उपभोक्तावाद को बढ़ावा दे रहे हैं, आप ही अनावश्यक रूप से वस्तु सेवाओं का इतने स्तर पर अति उपभोग किया गया, और ओजोन जो है, ओजोन की परत का पतन होना, विभिन्न प्रकार क्लाइमेट चेंज होना, जीवों की हत्या होना, वन जीवों, विभिन्न प्रजातियों का विलुप्त होना, आप ही जिम्मेदार थे, आप नहीं वनों को काटा अपने निजी फायदे के लिए, क्योंकि
इन लोगों ने तो काटा ही नहीं, क्योंकि इनके पास तो संपत्ति ही नहीं है, प्रॉपर्टी पर संसाधन सेल प्रॉपर्टी, आपने बड़े बड़े कार, आपकी संपत्ति तो आपके पास ही थी ना। तो कहीं ना कहीं ये वास्तविक रूप से हिजन एजेंडा समझना बड़ा विलुप्त बहुत कठिन है, और इनका हिजन एजेंडे को समझना का अगर आप मार्क्सिस्ट फिलोसफी बिलीव करते हैं या आप कम्युनिज्म को सपोर्ट करते हैं या आप उस आइडियोलॉजी को समझने का प्रयास करेंगे तभी आप इनके हिजन एजेंडे को समझेंगे, क्योंकि ये अपने वास्तविक रूप से हिजन एजेंडे को नहीं बताएंगे। तो हमने समझा कैपिटलिज्म ही मानवता के लिए खतरा है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं प्राइवेट ओनरशिप से समझौता नहीं करता, और प्राइवेट ओनरशिप से समझौता नहीं करता इसी से क्या होता है, संपत्ति एक परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी दर ट्रांसफर होती है, या परिवार के जितने सदस्य होते हैं उन्हीं को उनसे संसाधनों का या उन्हीं से ग्रोथ का फायदा होता है, या फिर उसी संपत्ति का उन्हीं को फायदा होता है, समाज के अन्य लोगों का हिस्सा को फायदा नहीं हो पाता है। तो इसलिए तो 1% लोगों पर इस देश की 20% संपत्ति का कब्जा है, 1% लोग इस देश की भारत की कहीं ना कहीं 20% कम संपत्ति पर उनका प्रभुत्व है, उनका डोमिनेंस है, उनकी हिस्सेदारी है, लेकिन 99% लोगों का क्या होगा। और ये 99% लोग संस्थाओं में हर ऑर्गेनाइजेशन में देखने को मिलेंगे। सिर्फ बात यह है कि अगर वो प्राइवेट ओनरशिप का विरोध कर रहा है वो व्यक्ति कहीं ना कहीं जो है कैपिटलिस्ट नहीं है, सिंपल बात है। वो व्यक्ति अगर प्राइवेट ओनरशिप का समर्थन कर रहा है या वो चाहता है कि संपत्ति एक पीढ़ी से हमारे ही परिवार के लोगों को होती रहे, मेरे ही बेटे को मेरी संपत्ति का हिस्सा मिलना चाहिए, तो भाई दूसरे बेटे को दूसरे के बेटे की चिंता कौन करे, आपकी संकीर्ण मानसिकता तो परिवार से स्टार्ट हुई ना। तो कहीं ना कहीं कम्युनिज्म को समझना बड़े स्तर पर समझने की आवश्यकता है, लेकिन कम्युनिज्म एक तरीके से कम्युनिज्म ने नया इसका सच आईना बताया, क्योंकि कैपिटलिज्म ही मानवता के लिए खतरा है, ना कि कम्युनिज्म। कम्युनिज्म में थोड़ा बहुत हिंसा होती है तो वो कहीं ना कहीं जायज़ है, क्योंकि वो इसको इनको ठीक करना भी तो ना पड़ेगा ना, क्योंकि शोषण गरीबी इनको जिम्मेदार हैं। ये समस्या भी कहीं ना कहीं थर्ड वर्ल्ड, ना केवल थर्ड वर्ल्ड की कंट्रीज की समस्या है, ये ईस्ट की भी समस्या है, अफ्रीका की समस्या है, लैटिन अमेरिका की भी कंट्री की समस्या, इंडिया की तो एक बड़ी तरीके से बड़ी समस्या है। तो कहीं ना कहीं हमने समझा, और ये कैपिटलिज्म ये प्राइवेट ओनरशिप से समझौता नहीं करता है, और ये मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। तो आपको समझने की आवश्यकता है कि कम्युनिज्म अगर मानवता के लिए खतरा होता तो ये नेशनलाइजेशन का विरोध नहीं करता, ये सोशल गुड्स की बात करता है, ये समान